हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये बीएससी जूलॉजी ऑनर्स पार्ट वन और बीएससी जूलॉजी सब्सिडियरी पार्ट टू के लिए लाभदायक लेक्चर है। आज के क्लास में हमारा फोकस है मोनोसेकराइड्स और डाइसेकराइड्स, और मैं हूँ मुग्धा। कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। इनके जनरल फार्मूला है CnH2O का होल n। इसका मतलब है इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1। ये मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द अर्थ हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आए हैं ग्लूकोज से, और ग्लूकोज कैसे आया है? फोटोसिंथेसिस से। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स या बहुत सारे बैक्टीरिया जो सी में रहते हैं, प्लैंकटॉन्स वगैरह, वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये ग्लूकोज आगे चल के मिरियाड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा। ये हो सकता है ग्लूकोज के रूप में ही रह जाए और आपके सेल में ऑक्सीडाइज होकर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP को जनरेट करे, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज में लाभदायक होते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है स्टोरेज फॉर्म में आ जाए, जैसे कि स्टोरेज फूड इन केस ऑफ प्लांट स्टार्च होता है, स्टोरेज फूड इन केस ऑफ एनिमल्स ग्लाइकोजेन होता है, और ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीमर्स हैं। यही ग्लूकोज हो सकता है स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने लगे। ये ग्लूकोज हो सकता है सेलुलोज बनाए इन केस ऑफ प्लांट सेलवाल, काइटीन बनाए फंगल सेलवाल और इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन, पेप्टिडोग्लाइकेन बनाए जो इसका डेरिवेटिव ही बनाता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ये सब चीज़ें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल टाइप्स और कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चरल टाइप्स। अब मैं आपको बता रही थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या बला हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोनिल ग्रुप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप, अगर इनकेस ऑफ एल्डिहाइड टर्मिनल हो तो एल्डिहाइड कहलाएगा। जैसे इस केस में आप देखिए, टर्मिनल का मतलब है कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप R ग्रुप, और एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, तो ये टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। लेकिन कई सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता है। ये देखिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कीटोन्स। अब आप ये देखिए, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो हैं ग्लिसरल्डिहाइड, और ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। हाँ, तो ट्रायोस शुगर मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मोस्ट सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हैं। ये ट्रायोस शुगर में पहला है ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड के केस में आप देख सकते हैं इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में आप देख सकते हैं कीटोन ग्रुप है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें ये वाला, लेकिन ये डाईहाइड्रोक्सी कीटोन ये सिमेट्रिक है, इसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं। अब मैं बताती हूँ कि एसिमेट्रिक कार्बन का क्या मतलब होता है। एसिमेट्रिक कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं, जैसे इस केस में ये वाला कार्बन, जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हो, चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों। जैसे आप इस कार्बन में आप आराम से देख रहे हैं, ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये CH2OH ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन है। ये एसिमेट्रिक कार्बन जिसमें भी होंगे, जिस भी कंपाउंड में होंगे, वो स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनमें स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है। जैसे ये आप देखिए डी ग्लिसरल्डिहाइड, और इसी का मिरर इमेज है एल ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसरल्डिहाइड में ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है,
एल ग्लिसरलडिहाइड में ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है। ये डी और एल ग्लिसरलडिहाइड इनैंसियोमर्स हैं। इनैंसियोमर्स मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। वो तो था ट्रायोस सुगर, लेकिन बायोमोलिकूल जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, जो मोनोसेक्राइड सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, वो है हेक्सोज। ये हेक्सोज में ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज है और फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है। मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। अब आप कुछ एल्डोलेज के बारे में देख लो। डी ग्लिसरलडिहाइड है ट्रायोज, जिसमें तीन कार्बन है, फोर कार्बन वाले यूरिथ्रोज और थ्रीओज हैं, फाइव कार्बन वाले राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज और लायोज हैं। यहाँ राइबोज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही राइबोज आरएनए में बैकबोन बनाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और डीएनए में यही राइबोज डीऑक्सी राइबोज के रूप में शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा ग्लूकोज ही है, और ये ग्लूकोज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूप से ऑक्सीडाइज होता है और सेल में एनर्जी के एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है। ये है कुछ कीटो हेक्सोज। ये कीटो हेक्सोज में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आ गए, यूरिथ्रोज आ गए, यूरिथ्रियोलोज आ गए, फिर आ गए आपके फ्रक्टोज जो सबसे एबंडेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट कीटो हेक्सोज हैं। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको मैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बता रही हूँ। यहाँ पे डी और एल का जो नोशन है, खासकर ये ग्लूकोज के केस में, ये कार्बोनिल कार्बन के सबसे डिस्टेंट एसिमेट्रिक कार्बन के रिलेशन में है। यहाँ पे डी ग्लूकोज में आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एल ग्लूकोज के में आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये डी और एल क्या है? डी और एल इनैंसियोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। डी और एल क्लासिफिकेशन के अलावा यहाँ पे आप देखिए एपीमर्स। ये एपीमर्स क्या है मैं आपको बता दूँ, एपीमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे पे सिर्फ एक ही कार्बन के एटम के अरेंजमेंट पे डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये मैनोज को देखिए, ये सी टू एपीमर है ग्लूकोज का, आप देख ही रहे हैं कैसे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हुआ है। गैलेक्टोज जो है वो C4 अरेंजमेंट है, C4 एपीमर है ग्लूकोज का। एपीमर में किसी भी कार्बन पे डिफरेंस आ सकता है एटम अरेंजमेंट पे। एनोमर वैसे एपीमर्स होते हैं जिनमें C1 कार्बन के एटम अरेंजमेंट पे डिफरेंस आता है। ये जो लीनियर अरेंजमेंट है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के एटम्स का, ये फिस्चर अरेंजमेंट कहलाता है, लेकिन सेल में इस तरह से ग्लूकोज अरेंज नहीं होता और ना ही फ्रक्टोज ऐसे रहता है। मैं आपको बता दूं, जब भी एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो वो एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और फिर हेमी एसिटल बनता है। फिर अगर फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन हो तो एसिटल बनता है, और यही होता है सेल में। इस डायग्राम को आप देखिए, सेल में क्या हो रहा है, C5 कार्बन जो है वो किससे, C1 कार्बन के कार्बोनिल, C5 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप C1 कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करता है, और फाइनली आपको दिख रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये हॉवर्थ अरेंजमेंट है, रिंग अरेंजमेंट है ग्लूकोज का, और सेल में ग्लूकोज इसी रूप में मौजूद होता है। अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोज इसलिए क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है, और बीटा डी ग्लूकोज पायरानोज। यहाँ पे अल्फा और बीटा में आप देख रहे हैं ये दोनों एनोमर्स हैं। एनोमर्स मतलब C1 कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि OH का अरेंजमेंट C1 कार्बन पे अल्फा और बीटा में अलग अलग टाइप से है। ना सिर्फ ग्लूकोज बल्कि फ्रक्टोज और बाकी सारे मोनोसेक्राइड्स भी रिंग फॉर्म में होते हैं। ग्लूकोज पायरानोज रिंग बनाता है मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, और फ्रक्टोज फ्यूरानोज रिंग बनाता है मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो हैं वो सिर्फ अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं होता, एनोमर्स बस नहीं होते, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं होता, बल्कि इनके ऑप्टिकल बिहेवियर में भी डिफरेंस होता है।
ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है 112 डिग्री से, और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो 19 डिग्री से रोटेट करता है। लेकिन म्यूटा रोटेशन एक चीज़ होती है, उसमें क्या होता है, म्यूटा रोटेशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों आ जाते हैं। मतलब अल्फा और बीटा सेल के इन्वायरमेंट में या हाई एक्वस इन्वायरमेंट में रोटेट करते करते या इस इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज 36% रहता है और बीटा डी ग्लूकोज 64% रहता है एट इक्विलिब्रियम। लेकिन इनिशियली इनका डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स कंपोजिशन होता है सेल में। तो ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट जो है वो बदलता रहता है, और फाइनली अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, और इसलिए म्यूटा रोटेशन एक चीज़ आ जाती है। म्यूटा रोटेशन वो बिहेवियर है जिसमें ऑप्टिकल, ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है। ना तो अल्फा का 112 रह जाता है, ना बीटा का 19 डिग्री रह जाता है प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन। ग्लूकोज या कोई भी मोनोसेक्राइड्स बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। एल्डिहाइड्स के कई सारे एजेंट से रिएक्ट करता है और उन्हें रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है कार्बोजैलिक एसिड में। ग्लूकोज खुद एक एल्डिहाइड है तो वो भी ऐसा करता है। बेनेडिक रिएजेंट में आप देख सकते हैं Cu2+ होता है, और ये Cu2+ बेसिकली ब्लू सॉल्यूशन होता है। लेकिन बेनेडिक रिएजेंट जब एल्डोज जैसे कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में जब रिड्यूस होता है तो ग्लूकोज तो बनाएगा, एक ग्लूकोरोनिक एसिड बना सकता है या कोई भी एसिड बनाता है, और जो Cu2+ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे शुगर्स जो रिड्यूस कर सकते हैं बेनेडिक सॉल्यूशन को, टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को, उन्हें रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। ये टेस्ट होता है ग्लूकोज का कई सारे केसेस में, जैसे कि डायबिटीज में जिसमें ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, उन पेशेंट्स का टेस्ट होता है कि किस तरह से अगर उनका ब्लड में ज़्यादा शुगर है तो वो तुरंत रिएक्शन करके खुद को ऑक्सीडाइज करके देख रहे हैं आप, जैसे कि बेनेडिक सॉल्यूशन ब्लू होता है और जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो ब्रिक रेड प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ डेराइवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड। पहला है ग्लूकोरोनेट। ग्लूकोरोनेट मतलब ग्लूकोरोनिक एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था, जो C6 कार्बन था, वो ऑक्सीडाइज हो गया है यहाँ पे। दूसरा है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के केस में आप देख रहे हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के केस में आप देख रहे हैं कि किस तरह से C2 कार्बन पे एसिटाइल एन एसिटाइल ग्रुप आ गया है, और ये नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन काइटीन का मोनोमर है। काइटीन एक पॉलीमर है जो फंगल सेल वॉल और इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन में होता है। ये म्यूरामिक एसिड है, ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है जो पेप्टिडोग्लाइकेन इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन में नाग और नाम का रिपीटेटिव यूनिट होते हैं। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये नाग नाम रिपीटेटिव यूनिट एक दूसरे से बॉन्ड करके पेप्टिडोग्लाइकेन बनाते हैं, और हमारे जो सेलाइवा में एक ये होता है लाइसोजाइम होता है वो इसी पेप्टिडोग्लाइकेन को क्लीव कर देता है, और इसीलिए हमारे सेलाइवा को एंटी बैक्टीरियल कहते हैं। ये है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये भी डेराइवेटिव है मोनोसेक्राइड का। इसके केस में आप स्ट्रक्चर को देखिए, सियालिक एसिड बोलते हैं कॉमनली इसको, और ये सेल सेल रिकॉग्निशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा RBC में, तो वो ग्लूकोज क्या करता है, एक एल्डिहाइड है, वो हीमोग्लोबिन के किसी भी एमिनो एसिड से रिएक्ट करता है और स्किप बेस बनाता है। ये स्किप बेस आगे चलकर एसाइलेटेड और एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कई रूप में घातक साबित हो सकते हैं हमारे डिफरेंट सेल्स के लिए, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स के लिए। मोनोसेक्राइड्स के बाद हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स के बारे में। सबसे कॉमन डाइसेक्राइड्स है सुक्रोज, जिसको टेबल शुगर भी कहते हैं। सेक्राइड मतलब शुगर होता है, हमेशा याद रखिएगा, और डाइसेक्राइड मतलब डाई मतलब दो, और सेक्राइड मतलब शुगर।
तो सुक्रोज बेसिकली डाइसेकराइड है अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का। यहाँ पे आप सुक्रोज के केस में देख रहे हैं, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। रिड्यूसिंग शुगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है। यहाँ पे C1 एनोमेरिक है ग्लूकोज के केस में जो फ्री नहीं है, और C2 एनोमेरिक होता है फ्रक्टोज के केस में जो फ्री नहीं है बॉन्डिंग किए हुए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किए हुए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक तरह का ईथर बॉन्ड होता है, जब दो अल्कोहल यूनिट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो ईथर बॉन्ड बनाते हैं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली एक तरह का ईथर बॉन्ड ही है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल ग्रुप और बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करते बॉन्ड बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं, सॉरी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो। तो ये एक तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ईथर बॉन्ड है और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकराइड है। ये है लैक्टोज। लैक्टोज के केस में गैलेक्टोज और ग्लूकोज का डाइसेकराइड है लैक्टोज। लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर। लैक्टोज में गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज का डाइसेकराइड है। दोनों का लिंकेज है β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और लैक्टोज ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग शुगर होगा क्योंकि इसमें ग्लूकोज का कार्बोनिल कार्बन का जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री है लैक्टोज। लैक्टोज के अलावा माल्टोज होता है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज का डाइसेकराइड है, और इसको माल्ट शुगर कहते हैं, बार्ली वगैरह में होता है। माल्टोज भी एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर ही है। इस तरह से हम मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच।